जब दोस्तों देसी गोवंश की बात आती है तो सबसे पहले हमारे किसान भाई क्या चाहते हैं कि गाय ब्याई हुई हो, शानदार अटर क्वालिटी वाली हो, साथ में बछड़ी हो और एक बिना सिंगों के बिल्कुल शांत स्वभाव की गाय हो। तो फ्रेंड्स, आपके लिए आज वैसी ही गाय हम वीडियो लेके आए हैं। तो उससे पहले सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं वो ये है कि गाय की ब्याई हुई है और गाय के पीछे फीमेल काफ है, कम्प्लीटली गाय की मिल्किंग की वीडियो है। तो आप कोशिश कीजिए कि मिल्किंग की जो वीडियो वो कम्प्लीट यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको गाय के बारे में हर गतिविधि के बारे में पता चल सके कि गाय का जब अपने दूध निकालते हैं तो गाय पैर उठाती है या नहीं उठाती, या फिर दूध निकालते वक्त लात मारती है या नहीं लात मारती, गाय के थनों की धार कैसे है, किस तरह की है। क्योंकि अपने जो हर रोज़ जैसे कि अपने मिल्किंग करते हैं तो ये चीज़ें सबसे पहले बहुत ही अहमियत रखती है कि गाय लात मारने वाली न हो या फिर गाय के थन में फुहार वगैरह इत्यादि ना हो, बिल्कुल शांत स्वभाव की हो। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं मिल्किंग है जो स्टार्ट कर दी गई है, थनों की आप धार देख सकते हैं। पहले थन की आप धार देख रहे हो, गोल मोटी धार है, और ये दूसरे थन की धार देख रहे हो आप, और इसके बाद ये तीसरे थन की धार। अडर की बनावट बहुत बढ़िया है, मुठिया थन है, और ये चौथे थन की आप धार देख रहे हो। थनों के अंदर जो गैप है वो गैप भी बहुत ही बढ़िया है। जो अपने दूध निकालते हैं तो एक दूसरे हाथ से बिड़ना करना यह बहुत चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया और बहुत ही बढ़िया शांत स्वभाव की गाय है। जो मिल्किंग की वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो जाती है, पर हमने क्या किया है कि इसकी मिल्किंग की वीडियो थोड़ा सा फास्टली कर दिया है जिससे कि ज़्यादा टाइम ना लगे। बहुत से भाई ऐसे करते हैं कि जब मिल्किंग की वीडियो बनती है तो कम्प्लीटली नहीं देखते, जिसके कारण कि वो पूरी इसके बारे में जानकारी और पूरी डिटेल नहीं ले पाते। तो जो मिल्किंग की वीडियो चल रही है आप स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, और एक अपने में किसान भाइयों के साथ में जो भी वीडियो देखने वाले हैं, चाहे व्यापारी भाई है या फिर किसान भाई है, तो उनके साथ में ज़रूर हम शेयर करना चाहेंगे कि जैसे कि अपनी जो गाय है, जैसे कि यह थारपारकर ब्रीड की है, तो उसके थारपारकर का बुल का ही सीमन यूज़ करना चाहिए, या फिर थारपारकर के बुल से ही क्रॉस करवाना चाहिए, या फिर जो राठी की गाय है तो उसको राठी के बुल से ही क्रॉस करवाना चाहिए, या फिर जो साहिवाल की गाय है तो साहिवाल गाय का ही उससे बुल से क्रॉस करवाओ और उसके बुल से ही यही करवानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे आने वाली जो लाइन है बछड़े की, जो पेडिग्री लाइन है गाय की, आने वाली जो नस्ल है वो धीरे धीरे उसके अंदर सुधार हो। उसके हम कोशिश ये करते हैं कि आने वाली जो नस्ल है, आने वाली जो गाय की जो बछड़ा है या गाय बछड़ी दे, तो जो भी आए पर वो इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना शानदार होना चाहिए। तो जब अपने क्रॉस करवाते हैं या फिर अपने AI करवाते हैं तो इस चीज़ के अगर अपने थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि जैसे कि अपनी थारपारकर गाय है तो उसके थारपारकर का सीमन लगवाइए आप, तो उसके बाद में जो बछड़ा या बछड़ी जो भी आती है तो बहुत ही बेहतरीन आएगी, बहुत ही शानदार आएगी, सुंदर आएगी। कल को अगर मान के चलो कि वो अगर आप गाय सेल भी करते हो तो उसके बावजूद में आपको बहुत ही बढ़िया और एक अच्छी कीमत मिलती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये गाय भी बहुत ही बढ़िया है, शानदार है, पर जो जिस किसान भाई की ये पास में थी उसने नहीं ध्यान दिया, और नहीं ध्यान देने के बावजूद जो ये पीछे बछड़ी है, तो बछड़ी होने के बावजूद भी इसकी जो कीमत थोड़ी डाउन हो गई है। वो इसलिए हो गई है कि अगर यही इसके पीछे बछड़ी अगर थारपारकर ब्रीड की होती तो एक शानदार एक अच्छी कीमत मिलती इसकी, जिस किसान भाई से आई है या जो आगे भी खरीदेगा। तो इस चीज़ों को, ये छोटी छोटी बातें, इसको खास करके ध्यान रखना चाहिए। गाय की जो मिल्किंग है वो कंप्लीट हो गई है और जो बाल्टी के अंदर दूध है वो लगभग 5.5 लीटर इसके नीचे दूध तैयार है। गाय की डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो गाय ने दूसरी बार अभी बच्चा दिया है, फीमेल काफ है इसके पीछे। दूध देने की क्षमता है वो लगभग 13 से 14 लीटर तक की है, और 11 और 12 लीटर के बीच में इस गाय के नीचे दूध बिल्कुल रेडी है जो कि तैयार है। वो आप एक टाइम या दो टाइम या तीन टाइम मिल्किंग चेक करके खरीद सकती हैं। अगर गाय की हम कीमत के बारे में बात करें तो इस गाय की कीमत 36,000 यानी कि 36,000 रुपये के अंदर आज ये गाय आपके लिए सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गो माता।